यस गुड मॉर्निंग नाइन्थ बी। बेटा आपा सैटरडे कर रहे सी कहानी सांझी कंध, ठीक है। कहानीकार सी संतोख सिंह तीर तद्दे दे नाल। ओके सो पहला मैनू ये दसो कि असी कहानी विच कीता की सी, केड़े केड़े पात्र आए सन, एनीवन। हाँ जी लवलीना। सिंह कारा सची राम कौर चंदन सिंह जी ने रामप्रदर अति कमा सिंह पात्र हैं। इस कविता में कहानी कहानी कपूर सिंह के बारे की एक सच्ची हुई है। पिछले बड़े दिन बादशाह विष्णु सिंह का कार्य किया जाता है। अबे वो सोचता है कि अबे सिर्फ घर बनाने पर दरबारा मतलब नहीं है, अते कंध बनाने राजी नहीं। हाँ जी राइट। एक है कपूर सिंह, दरबारा सिंह, दोनों की ने आपस में सखे भरा ने नो चाचे दे मुंडे, ठीक है। कपूर सिंह का घट है जाना कि दरबारे का घट है कपूर सिंह का, ठीक है। वो फिर बाद में दफ्तरां दे जिलियां दे इदां सारियां दे वो चक्कर लगांदा, फाइनली उहनूं लोन मिल जांदा है, ठीक है। फिर वो अपने भरा नूं बड़ी ज्यादा रिक्वेस्ट करदा है कि तू मतलब मेरे नाल थोड़ी बहुत हेल्प कर, ज्यादा हिस्सा वो कहिंदा सी मैं पावांगा, थोड़ा तू पा ते आपां कंध खड़ी करिए। जद कि दरबारा इस तरह नहीं सी करना चाहता क्योंकि उहदे कोल काफी कुछ सी, ये नहीं कि वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग सी, नहीं, बट उहदे कोल गुजारे जोगा सी, ठीक है। ते वो केडी चुक भी चाहता है। सरपंच का नाम की सी तम्मा सिंह, ठीक है। वो उन्हें कहता है कि तू मतलब कि बिल्कुल एदी फेवर नहीं करनी, ठीक है। सो वो बिल्कुल अगो दी ओदी फेवर नहीं करता, वो कहता कि तू जो करना है कर, मैं तेरी हेल्प नहीं करनी, ठीक है। इतों तक आप रीड किया सी पेज नंबर 55 तक रीड हो गया सी। पेज नंबर 56 बेटा नवी बुक के अकॉर्डिंगली, मैं एवें तेरी जुट्टी हेठ आवां, दरबार दरबारा किसे राह भी नहीं सी तुरन दिंदा। भाई जे मित्र होवे तां उहदे वर्गा कोई मित्र नहीं, जे भाई दुश्मन बन जावे तां उहदे वर्गा कोई दुश्मन नहीं। मतलब जे भरावां विच फिक आ जावे तां सब तों वड्डा दुश्मन साडा होर कोई नहीं हुंदा, ठीक है। टुंडे लंबड़दार ने, हुण लंबड़दार दा की है, टुंडा लंबड़दार उहनूं कहिंदे आ पिंड दा, है ने गल मुकाउणी चाही, लेना देना बनिया होया ही है, कोई डर नहीं अगड़ पिछड़ दा भी। कपूर सिंह दी हालत उत्ते उन्हों तरस आ रहा सी, ठीक है। हुण जिहड़ा लंबड़दार सी ओह फाइनली उन्हों तरस आ रहा सीगा, ते ओह कहिंदा कि कुछ लेना देना नहीं अगे दा पिछे दा आपां कुछ नहीं सोचना, ठीक है। तेनू नहीं पता चाचा, दरबारे ने झट ताड़ दिता। ताड़ दिता मतलब टोक दिता। ओह चुप कर गया, केड़ा लक्कड़ तो अपनी हेठी करावे। लक्कड़ तो मतलब हेठी की हुंदा है ना, बेस्ती। लक्कड़ तो मतलब एक फ्रेज ही है, ठीक है, कि मतलब उन्हों लगता सीगा कि बार बार एक जिदा आप कहने ना एक जगह ते बार बार जाइए तो साड़ी इंसल्ट हो जाती है, इस तरह ही जे बार बार एक पर्सन कहोंगे तो वह ज्यादा ही ओदे विच हंकार आ जाएगा ना, उन्हों लगेगा कि पता नहीं शायद मेरे तो बिना सरना ही नहीं है किसी का भी। कपूर सिंह दुखी हो गया कि की करे ते की ना करे, यह बेईमान किसी पासे दी नहीं मनदा। पल्यो 400 रुपये ला के उन्हों मुफ्त विच कंध बना के दे दो। किन्ने पैसे? 400 रुपये। पल्यो मतलब अपने अपने वल्लों, जे अद मंगो ता लोड़ नहीं, ओ जानदा कंध ता इहनू अपनी लोड़ तो बनाउणी ही पैणी है। ओह क्यों खामखा हामी भरे, शतीर ओदी कोई लाह ही नहीं सकदा सी। शतीर मतलब छत। ओ दरबारी की गल कर रहा सीगा कि मतलब कपूर सिंह कहंदा कि मैनू किसी भी तरीके नाल छत तां बनानी पएगी, कंध बनानी पएगी, भावें दरबारा हामी भरदा या नहीं भरदा, ठीक है। ते दरबारे दी किसी ने छत नूं ढाणा नहीं हैगा। दरबारा सिया कपूर सिंह बिर बिर करन लगा, मेरे हाल कन्नी देख। बिर बिर मतलब रोड़ हाका जो हो गया, मेरे हाल कन्नी देख, कन्नी की हुंदा मेरे वल देखना, ठीक है। किन्ना चिर हो गया मैनू रुलदे नू, हुण तू एवें अड़िका ना डा, जिकण करेगा ओकण कर लांगे। जिदा तू कहेगा ओदा ही कर लवांगे, मेरे तू काम विच कदी भी अड़िका ना पा।
दरबारे विच जिवें ओपरी हवा आ गई, ओपरी हवा मतलब पराई हवा ते है मतलब की एदा ओपरी हवा ओनू कौन हाँ ओनू सरपंच ओनू हर वारी ओदे कान भरी जा रहे सी। ओपरी हवा ओ हुंदा है कि दूसरे दे गल्लां विच आ जाना, ठीक है। बिना अख मिलाए ओने कोरा होके आख्या, मेरा हाल केड़ा चंगा मैं तेरे हाल कन्नी देखा। पटवारी सरपंच ते लंबड़दार सारे चुप करके सुनदे रहे। कपूर सिंह ने होर मुच के होर समाई नाल आख्या, मुच के मतलब समाई शांति दे नाल बड़ी हलीमी दे नाल, डूढ़ इट दा नहीं सही एक इट दी कर ले, मतलब डेढ़ इट दी, क्योंकि आपां जदों पढ़िया सीगा उन्हें कंध बनानी सी इन्ने फुट चौड़ी है ना, इन्नी फुट ओदे डेढ़ इंच जड़ी लगनी सी, डेढ़ इंच ही कंध हुंदी है एक, ठीक है ना, एक चार इंच ही हुंदी है, नौ इंच इदां सारियां कंधां हुंदियां। वो कहिंदा जे तू डेढ़ दा नहीं करना, 1.5 दा नहीं करना, तो सिर्फ 1 दा ही कर ला, ठीक है। एक इट्टी भी नहीं करनी, कच्ची कर ले, कच्ची ना पक्की। वो कहिंदा कि तू चाहे सीमेंट ना लगा, वैसे ही उदी रेता दी या मिट्टी दी कर ले, वो बिल्कुल ही अपनी गल ते अड़िया रहा, मैं कहिंदा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, चल तू इट्टा दा ही अद दे दे मजूरी ना सही। मजूरी मतलब लेबर, ठीक है। ओने होर कांप खादी, पर दरबारा ता एक आटे दा शी सी। कांप मतलब और कांप खादी, ओने होर ज्यादा रिक्वेस्ट कीती, पर दरबारा ता एक आटे दा शी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं ओने कुछ कीता, जिथे ओ मतलब कि अड़िया होया सी उथे ही ओ डटिया रहा, ठीक है। मतलब आटे दा शी एक ना फ्रेज है, ओदा मतलब हुंदा है कि जिस तरह कह लो कि आटा है ओ वैसे जिद्दा दा ओ कर हो गया, एक बारी तुसी हार्ड कर दिता ओनू हार्ड ही रहिंदा, मतलब ओ इदां दा सीगा कि ओदे ते बिल्कुल किसे चीज़ दा कोई असर नहीं सी हो रहा, ठीक है। होर विगड़ के बोलिया, जद मैं केरा कह दिता, केरा मतलब एक बार, गुड। जद मैं एक बार कह दिता मैनू नहीं लोड़, मैं नहीं करनी, मैनू ना कही। जे कंध कपूर सिंह भी करे तां ढौण वेले तां आदि दा कोल होना जरूरी सी। आदि दा कोल मतलब ढौण वेले तां आदि दा कोल किसे ना किसे दा होना जरूरी सी, जे ढांदा भी है तां। अपने घर नूं सांभणा, शतीरां हेठ थम्मियां देणियां, उहने होर भी ठम्मे नाल दरबारे नूं आख्या, पर तेरी रजामंदी बिना मैं कंध नूं छेड़ां भी किवें। मतलब वो देखो हले तक भी वो उहदे नाल पोलाइट वे दे नाल गल कर रहा है कि तू कितने ना कितने हिस्सा पा दे, ठीक है, पर वो कह रहा है कि मैं, वो कहिंदा कि मैं तेरी मर्जी तो बिना कंध ही ढावांगा भी नहीं, जिहड़ी एक कंध सीगी सांझी कंध उहनूं ढाएगा भी नहीं। मैं तां सरदार जी नूं अग नहीं लाउण जांदा कंध नूं, तू कहने कोल खड़, मैनूं चट्टी पई है, मतलब मैनूं कोई बिपता आई पई है कि मैं कंध दे कोल ही खड़ा रवां, ठीक है। कहिंदा कि अग नहीं लाउण जांदा, मतलब मैं उहनूं बिल्कुल ढाण भी नहीं जांदा, ठीक, उहनूं खराब नहीं करन जावांगा। ना बई विच्चों ही किसी ने दरबारी दी गल तों आख्या, आ तां बहि जा, मतलब बैठ जा इत्थे आ के। हुण तां कपूर सिंह नूं भी अग लग गई, इहनूं कहिंदे ने शरीक उहदे दिल विच आख्या। शरीक मतलब रिश्तेदार, ठीक है, शरीकाचारी जिहनूं कहिंदे आ। बंदा कित्थों कु तक सबर करदा रहे, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਤੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਤੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰੇਂਗਾ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਤੀਰ ਤਾਂ ਧਰੇਂਗਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਤੀਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੰਧ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਧ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟਡ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਸ਼ਤੀਰ ਸਰਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਆ। ਕੰਧ ਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਪੜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।
तेरे कले दी है कंध मेरा नहीं, तू बहुता मालक है, जे पखे ना कपूर सिंह ता की करे। पखे मतलब गुस्से विच ना आवे। दरबारे ने उल्टी होर तड़ी मारी, तड़ी मतलब टोंट मारना। मैं ता सरदार जी तेरे उत्ते अर्जी देनी है, अर्जी मतलब मैं हूं तेरे ते मुकदमा करना है। तू पाल दे अद तेरा कोठा टैन नाल कंध होगी नंगी, मतलब कंध पूरी तरह ना टट जाएगी। जे मीहा विच नंगी कंध मेरा कोठा लैके बह गई ता कौन होया जिम्मेवार। ठीक है, हुण उह अगो दी कहिंदा है दरबारा सिंह, हुण उहनूं कहिंदा है कि मैं तेरे खिलाफ हुण कंप्लेंट कर देनी क्योंकि तू मैनूं बार बार फोर्स कर रहा। ठीक है, देखो कहिंदा कि जे तेरी जिहड़ी इक सिंगल कंध खड़ी है, तू मैनूं कह रहा कि इहदे उत्ते छत वी नहीं बनाउणी, जे मेरा अगो दी घर भी टह गया तो फिर उहदे लई कौन जिम्मेवार होएगा। हुण तां कपूर सिंह होर भी भड़क पिया, तू लाली जिहड़ा जोर लाउणा मैं जाणदा जिहड़ा वकील तेरे अंदर बोलदा। अर्जी दऊं इह नगौरा मेरे उत्ते, नगौरा मतलब जिहदे कोल पल्ले कुछ नहीं हुंदा। हुण गिण के लई तू हरजाना मेरे कोल हवेली दा, चल मैं टौना कंध आ हटा तू मैनू। ठीक है, हुण उहनूं होर भी ज्यादा गुस्सा आ गया कपूर सिंह नूं, होर उहनूं एक चैलेंज करदा है कि मैं कंध टा के ही रहांगा, तू जिथे मर्जी कंप्लेंट करनी है तू कर सकदा है। दरबारा भावें कपूर सिंह तो कुछ छोटा सी, हुण इहनूं अंडरलाइन कर लो जी, छोटा कौन सी? दरबारा सिंह कपूर सिंह तो। शरीर दा भी लिस्सा, लिस्सा मतलब कमजोर, कौन सी कमजोर? दरबारा सिंह। ते अग्गे कदे उहदे सामने इउं बोलिया भी नहीं सी, पर चुक बुरी हुंदी है। चुक मतलब किसे दीआं गल्लां विच आणा। ठीक है, दरबारा उठ के खड़ा हो गया ते बाहां चाड़दा गड़के नाल बोलिया, तू हाथ तां ला जा कंध नूं। बाहां चाड़दा मतलब नहीं ऐदा नहीं करते होंगे, इस तरह करके तुम लड़ाई करने लिए है ना। ठीक है, और मतलब ऐसा वह गड़के नाल बड़ा ज्यादा गुस्से दे नाल बोलिया। उन्हों नेड़े ही से दोवें उलझ पैंदे कि टुंडे लंबड़दार ने झट उठ के दरबारे नूं डक दिता, रोक लिया ते कपूर सिंह नूं चले जाण दी सहिनत कीती। सहिनत, सहिनत, नो, इशारा, इशारा, मतलब उहनूं अखां अखां विच उहनूं कहता कि इत्थों तों चला जा। कपूर सिंह उत्थों तुर पिया, मखा चलता सही मैं टौना, मखा मतलब मसा, मैं टौना तू हटाई, देखी नाले हुण कंध बनदी भी कमी आ, नाले ना देई खां भला तू अद। पटवार खाने का बूहा लंघदिया हो कह रहा सी, हुण कपूर सिंह बहुत ही ज्यादा गुस्से विच सी, उह कहिंदा तू नहीं अद्धा देना ते ना दे, पर मैं जिहड़ी कंध है उह बिलकुल ही ढा के ही हटांगा। ढा के मतलब गिरा के। ठीक है, ये दो पेश क्लियर है, किसी नु कोई डाउट होए, कोई वर्ड ना समझ लगा होए। रुद्र शर्मा दो पेजेस विच की किया गया है? उच्ची बोलो थोड़ा। दो जड़े पेजेस आपा हुने किते रिसेंटली, इना विच चल की रहा है ओ आपस विच उना दा आर्गुमेंट ही होई जा रहा है, बहस बसाई होई जा रहा है। वो कहंदा कि कंध जड़ी है वो ढा दे, ते जे वो कहंदा कि तू मेरे कोल खड़ा होएगा मैं कंध फेर ही ढावांगा। दरबारा सिंह इन्नी गल मंदा नहीं, कहंदा मैं कंध दे कोल बिलकुल नहीं खड़ा होना। फिर उहनू पहला कहंदा सीगा कि डेढ़ दे दी पैसे, हुण उह कहंदा एक दे दी पैसे। ठीक है, एंड ते फिर कपूर सिंह दा गुस्सा होर भी ज्यादा वध गया। ठीक है, फिर उन्हें किया कि तू हुण जिन्ना जोर लाना है जिथे मेरी कंप्लेंट करनी है तू कर दे, पर मैं जिहड़ी कंध है वह ढा के ही हटांगा। ठीक है, नेक्स्ट ढा देना गिरा देना। नेक्स्ट पेज, सारा पिंड दरबारे नूं कोसण लगा, कोसण मतलब दोष देण लगा, बहुत माड़ी गल है दरबारे खातर, किसे लोट ता बंदे नूं मनना चाहिदा, मतलब की इहदा
किसी लोट का बंदे नु मनना चाहिए मतलब की एदा लोड़ वाले बंदे नु नहीं है। एक एक करके बोलो रमनीक लोड़ ता है ही नहीं लोड़ ता है ही नहीं इतने किसे लोट ता बंदे नु मनना चाहिदा है किसे समय ता गुड किसे समय ता बंदे नु मनना चाहिदा मतलब वो हर टाइम अपनी ही आकड़ विच रहंदा सी। कपूर सिंह दुचित्ती विच पै गया दुचित्ती टेंशन नहीं दुचित्ती ए है की है दुचित्ती है की है ए डबल माइंडेड तो है कि हुंदा कि ये दू लगा के अगेतर अगेतर है ये चित्त की हुंदा हाँ चित्त मतलब मन दो चित्त मतलब थोड़ा डबल माइंडेड हो जाता ना कई बार तुसी दो मन हुंदे है मैं जावा कि ना जावा ते ओ दो चित्ती विच पै गया घर बनावे कि ना बनावे एदो चंगा ता पिंडो बाहर जा वसना सी कंध बनदी दिसी नहीं अद्धी वंड के बनाउणा या ठोकरा करन विच ओह गल नहीं चार चुफेरियों पक्का सुहणा टल्ली वर्गा चकोर घर बन जांदा टल्ली वर्गा मतलब टल्ली की हुंदा घंटी मतलब जिस तरह ऐदा बैल हुंदी ना राउंड शेप विच ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਏਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਦ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਵੱਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੜ ਗਿਆ ਕੌਣ ਅੜ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਠੋਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬਣ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾ ਸਵੱਲੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਵੱਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵੱਲੀ ਹੈ ਮੇਹਰ पास वालिया मतलब फिर परमात्मा उत्ते छड़ देवांगे ठीक है। एक पासा जाणो कच्चा रह गया होर हुण कीता भी की जावे लोग ता कहंदे सन जाके डिप्टी दी अर्जी मारे पर मामला होर चक्कर विच पै जाना सी मतलब जड़े पहला वाले लोग सीगे ना वो थोड़े इनोसेंट जी हुंदे सीगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ऑनलाइन स्टूडेंट्स पता किसी नो नो सारे महीने गिना दो गैस मारे जाओ नहीं जेठ हाड़ दिया तुप्पा तुप्पा सर्दी नहीं है नहीं जून जून मई जून हाड़ हुंदा ना ठीक है। उदो जेड़े दिन हुंदे आ ओ खुले हुंदे आ खुले दिन क्यों कहंदे उहनां नूं मैनूं कुछ नहीं समझ आ रहा हेवन बत्रा दिन लंबे हुंदे ओके गुड ठीक है। उहनां दिनां विच देखो जून दे विच की हुंदा आ बहुत वड्डे वड्डे दिन हुंदे ना रातां छोटियां हुंदियां ते आपां ईजीली कोई ना कोई काम शुरू कर सकदे हां। जे इस तरह करदे आ सियाल आ गया ਤਾਂ ਕੰਮ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਦਾ ਖੁੰਝਿਆ ਖਬਰੇ ਕਦ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ
ਸਿੱਲ ਸਲਾਬਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸੀਲਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਲਾਬ ਉਹੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਦਾ ਖੁੰਝਿਆ ਖਬਰੇ ਕੱਦ ਉੱਤੇ ਜਾਪਵੇ, ਖੁੰਝਿਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕੰਧ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਢਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੀਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਈ ਗਈ, ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ, ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਕੌਣ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ। ਨੀਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਖੋਦਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਸਿਰੇ ਜਾ ਲੱਗੀ, ਸਿਰੇ ਜਾ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬਣ ਗਈ, ਗੁੱਡ। ਦਲਾਨ ਵਰਾਂਡਾ ਰਸੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਲਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਵਗੈਰਾ। ਵਰਾਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਾਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੈਠਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਗੁੱਡ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੁਗਾਠਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਗੁੱਡ, ਤੇ ਚੁਗਾਠਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਚੁਗਾਠਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਲੀਆ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਿਓ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਦਲਿੱਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਸ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੇ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਆਲਸ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨੰਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੋ ਨੋ, ਨੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੂਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿੰਟਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਲਿੰਟਲ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਗਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੈਂਟਰ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਓੜੀ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਵੀ ਧਰੀ ਗਈ, ਡਿਓੜੀ ਬੇੜਾ ਧਰੀ ਗਈ ਮਤਲਬ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਠਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਡਿਓੜੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਲ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਲ। ਡਿਓੜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਲਿੰਟਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਮਿਆਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿਆਣੀ ਛੱਤ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਆਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਹੁਵਾ ਆਵੇ। ਡਿਓੜੀ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਵਾਹ ਮਤਲਬ
कोई ओदी जोर जबरदस्ती ना चली ता दरवाजे इकट्ठ किता। दरवाजे इकट्ठ किता मतलब दरवाजे इकट्ठे करते। हाँ वेरी गुड, दरवाजे इकट्ठ किता, दरवाजे दे बाहर सारे लोकी इकट्ठे हो गए, सारा पिंड चौंतरे उत्ते जुड़ गया। चौंतरा चौंतरा चौक कह सकते हो, चौंतरा इथे। हाँ आ मान लो दरवाजा ए अगे सारे लोकी फैसला सुनाने लई इकट्ठे हो गए। पंचायत ने दरबारे नू सत्थ विच बुलाया। हुण पंचायत ने दरबारे नू किथे बुलाया, सत्थ की हुंदा है, वेरी गुड, पिंड दी सांची था ते कंध करन लई आख्या। पहला ता उन्हें बड़े पैर अड़ाए, मैं कुड़ी दा व्याह करना, मैनू लोड़ नहीं, मेरी पुज्जत नहीं। पुज्जत मतलब पुज्जत, पुज्जत हाँ इकोनॉमिकल कंडीशन मेरी सही नहीं है। अखीर पंचायत ने समझा धमका के मना ही लिया, पिंड दी सांझी राय सामने ओनू चुकना ही पिया, मजूरी ओनू छड़ी गई। हाँ हाँ जी हाँ, इधर बारे ने किया क्योंकि हुन ओदे घर बन गया, जड़ी ओने एक ओपन एरिया रखना सी, ओदा जड़ी कंध छत नीवी रखनी सी, नीवी छत लई ओनू जड़ी अगे अड़िका आ रहा सी कंध ओनू तोड़नी पैनी सी, पर दरबारा उस नू लैके मान ही नहीं रहा सीगा। फिर पंचायत बुलाई गई, ओनू समझाया गया बहुत ज्यादा, फिर एंड विच ओ मन गया। पर उन्हें लारे किहड़े लाए कि मैं एक कुड़ी दा व्याह करना, एक मेरी पुज्जत नहीं, मेरे को इन्ना कुछ है नहीं, ठीक है, मैनू लोड़ भी नहीं। मजदूरी ओनू छड़ी गई, जड़ी मजदूरां दी डेली वेजिस दिंदे आ ओनू नहीं देनी पई। ओ किहने दित्ती फिर, कपूर सिंह ने। अंडरलाइन कर लो कि मजदूरी किसने दित्ती, कपूर सिंह ने। इट्टा ते होर समान दा अद देना कीता ओनू, क्योंकि हाले कंध दी एनी लोड़ नहीं सी, इसलिए रियायत वजो रकम, रियायत वजो मतलब नहीं, रियायत रियायत हाँ मुआवजा दिता गया ओनू, थोड़ी बहुती रिलैक्सेशन दिती गई। रकम दो लंबिया किश्तां विच बंड दिती, इंस्टॉलमेंट्स कीतियां गईयां, आउंदी लोड़ी छड के पहली किश्त निमाणी नू ते दूजी अगली लोड़ी नू, ठीक है, किदों किदों पहली लोड़ी छड के ता फिर उस तो अगली लोड़ी ते उन्होंने दो किश्तां बना लिया, कागज बन गया। भावें मजूरी सारी ही कपूर सिंह दे सिर पै गई सी, जो 80-82 तक बनती सी, 80-82 80-82 ठीक है, कोई 100 नहीं, सिर्फ 80-82 रुपए, क्योंकि उन्होंने दिनों विच इन्ना भी बहुत हुंदा सीगा, ठीक है। हाँ जी तो उन्हें किश्तां भी तो देनिया सी ना अपनिया, ठीक है ना, ते तां भी ओह खुश सी, कम तुरदा हो गया, उससे सिर 40 कु ही वध पए। कोई गल नहीं, एना कुछ तो वह आप दरबारे नू जा कहिंदा सी, मतलब कपूर सिंह नू इस गल तो कोई परेशानी नहीं सी, उन्हों सीगा कि चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत देता, काम तो तुर रहा है, ठीक है। अगले दिन पंचायत दे चार आदमी आए, पंचायत दे किन्ने आदमी आए, चार आदमी, ते सामने कंध टुहा के नीह पटवाउण लगे, इट तरन वेले कंध उत्ते मेला लग गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए उत्थे। दरबारा खुश तो अगे ही नहीं सी, पर जद कंध बनन ही लग पई तो अड़ फुटन की नमोशी विच ओदी ही कुत्ते सप्प लिट रहा सी, इहदा मतलब की है, अड़ फुटन की नमोशी विच, अड़ फुटन की नमोशी ईगो, वेरी गुड, अड़ मतलब ओदी अणख, ठीक है, फुटन मतलब ओदी जिहड़ी ईगो सीगी ओ टुट गई सी, ओनू ठेस पहुंची सीगी, ओदी ही कुत्ते सप्प लिट रहा सी, मतलब ओनू बर्दाश्त करना पै रहा सीगा ना चाहते हुए भी। हां जी काम स्टार्ट हो गया सी, आई तो ओनू गुस्सा चढ़ रहा सी ना हौली हौली करके। एक पास्यो तम्मा सरपंच ने रस्सी फड़ी, दूजे पास्यो नाहर सिंह अकाली ने, अंडरलाइन कर लो जी, इहनू रस्सी किन्ने किन्ने फड़ी, नाहर सिंह अकाली ने ते
सरपंच तम्मा सिंह ने। जद असी नाहर सिंह दे नीह दे सिरे उत्ते छूही तां झट दरबारा बुखलाई आवास विच बोलिया, अपने अमान नूं जाण के न्याय करी कालिया। मतलब अपने अमान नूं जाण के मतलब अपने धर्म नूं ध्यान च रख के न्याय मतलब जस्टिफाई करी। ए ना होवे कि तू मतलब कि जिहड़ा फीता जिहड़ा इंची टेप दे नाल नाप रिहा, ए ना होवे कि तू घट वध कर ली, जिन्ना है ओना ही करी। सानू तां दोवें इक सार ओ दरबारा सियां। नाहर सिंह ने उत्तर दिता, सारे लोकी इक टक रस्सी वाल वेखण लगे। परले सिरे बैठे तम्मा सिंह सरपंच ने हथ पर कपूर सिंह वाल रस्सी तर दिती। इकदम रौला पै गया, आ ते जमा विंगी आ, मतलब एडी है, एथे कंध जांदियो नी। किसे उच्ची बोल के तम्मा सिंह नूं आख्या कि रस्सी इक हथ दूजे पासे नूं तरे। इन्ना फर्क तां अन्यां नूं भी दिसदा सी, रस्सा तम्मी सिंह नूं दूजे पासे तरनी पई। हुण ठीक है, सारिआं ने तसल्ली दा साह लिया। साल सुट के मिस्त्री निशान लाउण लगा, साल सुट के मतलब जिहड़ा उहने फड़िआ सीगा इंची टेप जिहा, उहनूं ने थल्ले रख दित्ता ते बाद विच निशान लाउण लग पिआ। के दरबारे ने झट रौला पा दिता, मैनू नहीं मंजूर, ए कोई इंसाफ है। इंसाफ मतलब इंसाफ है, कंध चार उंगलां मेरे पासे पई है। इथों तक रीड कर रहेंगे, ठीक है, बाकी कल करवांगे। ओके, कल होपफुली आपां स्टोरी छड़ी है वह खत्म कर लवांगे। हां जी, पढ़ लो एक बारी। मतलब ओदे जिहड़े दरबारा सिंह ने पैसे देने सीगे ते कपूर सिंह नूं तां वी इन्ना मंजूर उहनूं मतलब इन्ना नहीं लगा उहनूं सीगा कि उहनूं थोड़े बहुते पैसे ही होर वध देने पैणगे। ठीक है, हां जी, एनी डाउट? 9th बी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन जिहड़े ने उहनां नूं